शिक्षा अभियान के तहत सबको शिक्षा, सबको एक सम्मान मिले, ये तो सदियों से बच्चों का शिक्षा मौलिक अधिकार है। यहाँ तो स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि शिक्षक की कमी है, जिसके चलते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। पूछे गए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सवालों पर शिक्षक कहते हैं कि मध्याह्न भोजन की देखरेख समय पर विभाग को रिपोर्टिंग जमा करना ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ दे पाएंगे। अब देखने की बात यह है कि प्रत्येक विद्यालय में लगभग शिक्षक की कमी तो है, सरकार कितने भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करे सिर्फ खाना पूर्ति ही साबित होते देखने को मिलता है। अब देखिए, उत्क्रमित उच्च विद्यालय मशकलैया के HM अपने अंदाज में सफाई देते रहे, जब छात्रों से बात करने से साफ लगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ही नहीं। महाशय कितना भी छिपाने की बात करें, बच्चे ही सारी पोल खोल देते हैं। अब आए इस विद्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी नव प्राथमिक विद्यालय सुनारपाड़ा मशकलैया को देखिए, शिक्षक नहीं विद्यालय खुला हुआ है, बच्चों के भोजन भी तैयार है, विद्यालय के अगल बगल में बाढ़ का पानी खतरा बना हुआ है, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। अगर किसी तरह का घटना घटती है इसका जवाब कौन देगा, यहाँ रसोईया व बच्चे क्या कहना है। और देखिए, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाफर टोला, समय से पहले शिक्षक नहीं, किसी प्रकार दीवार पर लिखित सूचना नहीं, स्कूल बंद पाया गया। जब अगल बगल से जानकारी लिया गया तो कहा कि कुछ समय तक स्कूल खुला और फिर स्कूल बंद कर शिक्षक चले गए। ये सभी विद्यालय तालझारी प्रखंड में आते हैं। क्या नाम है? सेजल कुमार। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। किस जिला में रहती है? साहिबगंज। किस झारखंड में, किस राज्य में? झारखंड। प्रधानमंत्री का नाम? श्री नरेंद्र मोदी। स्कूल का आपका क्या नाम है? राष्ट्रपति का क्या नाम है? कब्बे गया है, पढ़ाता नहीं कोई, अभी कोई नहीं पढ़ा रहा है। कई गो मास्टर है यहाँ? एक गो। कब गया, कई बजे? कई बजे गया है? ये ना है, कई बजे यहाँ से निकला? तलझारी गया है। तलझारी। तो आज क्या क्या बना है? खिचड़ी चोखा बना है। खिचड़ी चोखा। मास्टर साहब कहाँ गए? मास्टर साहब नजर नहीं आ रहे। मास्टर साहब तो हम लोग को बोल के गए कि मीटिंग में जा रहे हैं। कहाँ? तलझाड़ी। बात बोले कि सुने में जैसा गलती हो गई। हाँ, कितना बजे निकले सर? वही 11:30 बजे निकले। 11:30 बजे निकल गए। हाँ। तो बस खाली तो पढ़ाई आज नहीं हुआ होगा? नहीं, तो हाजिरी बना दिया है, बच्चा लोग को थोड़ा घंटा पढ़ाया था। कौन? मास्टर आया था 9 बजे। अच्छा अच्छा। पढ़ाता था, पढ़ा के फिर हम लोग को सब कुछ दे दिया और बोलता है कि आप लोग थोड़ा खिला दीजिएगा और सब कुछ कर दीजिएगा। क्या नाम है? सचिन। कहाँ बोला कि नहीं आएंगे सर? तो आगे कितना बजे तक स्कूल खोल के रखिएगा सर आप लोग? 3 बजे तक खोल के रखेंगे और उसके बाद बंद कर दीजिएगा। तो इस 3 बजे तक कीजिएगा क्या? क्या करेंगे, कोई आएगा तो प्राइवेट का मास्टर रहता है, वो बंद कर देगा, वो रूम खुले रहता है। अच्छा, गाँव का। हाँ। तो यहीं पे प्राइवेट पढ़ाता है? प्राइवेट यहीं पर पढ़ाता है। वही सब बच्चा कोई पढ़ाएगा? हाँ। तो प्राइवेट में अपना पढ़ाएगा अपना बच्चा को? कभी कभी आता है, बोलता है ना सर, तो कभी कभी आ जाता है मदद करने के लिए। और यदि वो भी नहीं आए तो? नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बंद करके चल जाएंगे। बच्चा लोग ऐसे खेलते रहेगा? बच्चा लोग को छुट्टी देने वो आते हैं। अरे आज अभी जो आज खुला था स्कूल? हाँ, खुला था। रश्मि, अंडा मिलता है रश्मि यहाँ खाने के लिए? नहीं। अंडा नहीं मिलता है? नहीं। दाल भात आलू तरकारी रोज बनता है। क्यों रही? 7th क्लास में। इधर देख के बोलो, डर लग रहा है क्या? नहीं ना। क्या क्या पढ़ती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती है? हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश। सर आते हैं पढ़ाने? जी सर। अच्छा से पढ़ाई होता है? सब सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। खाना खाती है? क्या क्या मिलता है? सर 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 क्या क्या मध्याह्न भोजन में क्या क्या खाती है? चावल, दाल, अंडा, सब्जी। अंडा रोज मिलता है? नहीं।
शुक्रवार को मिलता है और बुधवार को। ये दो दिन अंडा मिलता है, तुम सर की तरफ काहे देख रही है बार बार? मैं पूछी सारा बात पूछे क्या क्या और नाश्ता में क्या क्या मिलता है, फल क्या क्या मिलता है? फल में मिलता है केला, सेब, बिस्किट मिलता है। जी सर। अच्छा लगता है पढ़ने में? जी सर। मजा आता है? जी सर। अच्छा एरोप्लेन का स्पेलिंग बताओ तो। ARO PLEON। अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ। UMBRELLA। कौन सा जिला में रहती है? साहिबगंज। कौन से राज्य में? झारखंड। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? किस देश में रहती है? डरो मत, एकदम डरना नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। पहाड़ा कितना तक आता है? 20 तक पूरा। जी सर। 19 का बताओ। 19, 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 19
एक समस्या हो जाती है हमारे लिए साफ़ सफाई। और दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती हमको लगता है, जो आप प्राइवेट स्कूल की बात किए, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा फंड की कमी हो जाती है। जितना बड़ा विद्यालय है और जितना हम लोग का काम होता है, उसके अनुपात में वो फंड हम लोग को मिल नहीं पाता। लेकिन जितना भी मिलता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसमें विद्यालय को सही ढंग से रखा जाए, और हम लोग ये कोशिश करते हैं। पिछले वर्ष कितना फंड मिला था विद्यालय अनुदान राशि? पिछले प्रत्येक साल हम लोग को हमारे विद्यालय फंड में SMC के माध्यम से 75,000 रुपया हम लोग को मिलता है। 75,000 रुपया में जो भी हमारे विद्यालय के लिए जो ज़रूरी होता है वो हम लोग करते हैं, और आगे भी हम लोग का ही प्रयास रहेगा। फंड को कैसे आप लोग उसमें खर्च तो करते हैं? उस फंड का तो जो सबसे बड़ा जो होता है उसमें पहले साफ़ सफाई के लिए होता है, 10% उसमें हम लोग को साफ़ सफाई में खर्च करना पड़ता है। और जो करते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या, उसमें क्या रोल है? उसमें रोल होता है प्रबंधन समिति का, ये होता है कि जो सबसे पहले तो विद्यालय भवन की मरम्मति, अगर कहीं टूट फूट हो गई है, रंग रोगन में कमी है, तो सबसे पहले उसको देखना पड़ता है, उसको प्राथमिकता आधार पर करना पड़ता है। उसके बाद साफ़ सफाई के लिए बैठक में वो लोग शामिल होते हैं? हाँ, बैठक में। हाँ, SMC के बैठक सुचारू रूप से हर महीने होती है। ये हर महीने SMC की बैठक होती है, सब लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जो भी प्राथमिकता के आधार पर जो भी तय होता है उसको किया जाता है। उसमें एक प्रतिनिधि बाल संसद का भी बैठा? हाँ हाँ, सोनू कुमार शाह है, क्लास 8 में। वो लोग क्या अपना प्रस्ताव रखते हैं? वो लोग चूँकि पिछले समय से बहुत समय से विद्यालय बंद था, तो पिछले दिनों से बाल संसद बैठक नहीं हो पाई थी, तो फिर से हम लोग पुनर्गठित कर रहे हैं बाल संसद को, और जैसे ही वो गठित हो जाएगा फिर से, तो उसमें बाल संसद के अध्यक्ष को निश्चित रूप से उसमें शामिल किया जाएगा। जो भी उसकी समस्या रहेगी सुनी जाएगी, और उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये क्या आपका विद्यालय में उपलब्ध है क्या? टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग को पहले मिलता था, और अभी भी मिल रहा है, लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल को वो पूरा करने के लिए, चूँकि हमारे पास शिक्षक की कमी हो जाती है, तो जो दैनिक कार्यकलाप होता है तो उसमें जो है टीचर उतना नहीं इन्वॉल्व हो पाते हैं, लेकिन टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग विभाग से मिलता है, और कोशिश करते हैं कि उसको कोई ट्रेनिंग ली है आपका टीचर? हाँ, टीचर का ट्रेनिंग, हाँ, FLN की ट्रेनिंग अभी हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें जो भी टीचर यहाँ एलिजिबल टीचर हैं वो लोग जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर आकर जो बच्चों को उस तरह से लर्न कराते हैं बच्चों। बाल संसद का सूची नहीं आपके विद्यालय में? नहीं, बाल संसद सूची लग रही है। बाल संसद बताए हम कि पिछले 2 साल से चूँकि विद्यालय कक्षा बंद थी, तो बाल संसद का नियमित रूप से बैठक नहीं हो पाया, तो अभी हम लोग बाल संसद का फिर से पुनर्गठन करवा रहे हैं, और वो गठन हो जाएगा, उसके बाद फिर से उसकी हर महीने जो है उसकी नियमित रूप से उसकी बैठक होगी, और जो भी उनकी तरफ से जो भी समस्या आएगा, जो भी होगा, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर हम समाधान करने का प्रयास करेंगे।